Bansal. We have Mr. Anand Bansal with us. He's been treating the girl for the last almost 12 hours. Dr. Bansal, at the time of discharge, tell us what was exactly the condition of the girl? At the time of discharge, हमने नहीं किया था बच्ची को, हमने एम्स भेजा है इसको और बच्चे की हालत अभी स्टेबल है, वाइटल्स आर स्टेबल, पल्स और ब्लड प्रेशर और उसका सब कुछ ठीक है. अभी बुखार भी उसका पहले से कम है. पहले उसको बुखार 130 के करीब आ रहा था, अब उसको 100 के करीब बुखार टेम्परेचर था. एंड और आपको लगता है किसी कॉम्प्लिकेशन का खतरा तो नहीं है? नहीं नहीं नहीं, हमने ना ही तो इसको किसी कॉम्प्लिकेशन की वजह से रेफर किया है और ना ही हमने इसको इसलिए रेफर किया है ताकि एम्स एक बड़ा अस्पताल है, इनकेस अगर कोई 0.1% कोई ऐसी बात होती है तो हमने कहा था पेशेंट शुड बी एट द सेफेस्ट प्लेस, क्योंकि पहले एक ऐसी घटना हो चुकी थी कि मरीज को हमने अपने इंडिया से हमें दूसरे अस्पताल में भेजना पड़ा था. उस एग्जांपल को ध्यान में रखते हुए हमने कहा कम से कम एक शहर में तो हम दूसरे अस्पताल से एक बेहतर अस्पताल में मरीज को भेज सकते हैं. आप बेसिकली कंपैरिजन ड्रॉ कर रहे हैं वो 16 दिसंबर के इंसिडेंट से, यहाँ पे अल्टीमेटली जो हमने प्रोटेस्ट देखे थे पूरे दिल्ली में, तो आप कह रहे हैं आपने सुबह को ये भी कहा था कि इस तरह का इंसिडेंट आपने कई सालों में नहीं देखा है. हाँ, इस तरह का इंसिडेंट तो हमने पहली बार देखा है कि 5 साल की बच्ची के साथ ऐसी घिनौनी हरकत की गई हो, एक कैंडल डाली गई हो, एक बोतल अंदर डाल दी गई हो और फिर उसको बच्चे को मारने की कोशिश भी की गई हो, क्योंकि उसके गले में ऐसा निशान था जिसे लगता था कि उसके बच्चे का गला घोटने की कोशिश की गई है. और किस किस तरह के निशान थे उसके बॉडी में? आपने कहा बाइट मार्क्स भी शायद थे. हाँ, उसके लिप्स पे निशान थे, फेस पे थे और बाजू पे थे, दोनों बाजू पे, जिससे लग रहा था कि बच्चे ने वो रेजिस्टेंस भी की है और लेकिन उसको ओवर पावर किया गया. एंड आप ये भी कह रहे थे कि देयर वाज साइन ऑन हर बॉडी दैट शोड कि शी वाज कन्फाइंड फॉर ऑलमोस्ट 3-4 डेज एंड दैट असॉल्ट कैरिड ऑन फॉर ऑलमोस्ट 76 आवर्स. हाँ, बच्चे को तो फिर नीचे चोट थी, नीचे जो उसके साथ वो हुआ था प्राइवेट पार्ट के साथ, उसमें तो हमने ऑपरेशन किया तो उसमें से एक कैंडल निकली है और एक बॉटल निकली है जिस तेल की, आमला की, जिसके 200 ml वाली बॉटल, सील बंद बॉटल अंदर से मिली है हमें और ये दो चीज़ें अंदर से निकली जिससे कि उन्होंने घिनौनी हरकत की. एंड सर, वी वर आल्सो टोल्ड देयर वर साइंस ऑफ सेप्टिसीमिया, देयर वर सम इन्फेक्शंस दैट वर इन हर स्टमक. डू यू थिंक शी विल बी एबल टू सर्वाइव दैट काइंड ऑफ फॉरेन बॉडी इज इंसर्टेड इनसाइड, दो वी हैव रिमूव्ड इट, लेकिन दे हैव लेफ्ट सर्टेन सम इन्फेक्शन इनसाइड और लगता है वो दो दिन पहले का ही घटना है, क्योंकि हमने देखा अंदर से पस भी आ रहा था, तो पस एक दिन में नहीं बन सकता है, वो तो उसे इन्फेक्शन हो गया और उसी इन्फेक्शन का हम इलाज कर रहे थे इन द फॉर्म ऑफ एंटीबायोटिक्स, इंजेक्शंस और इंट्रावेनस फ्लूइड्स और उसी के चलते उसके पेट में थोड़ी सूजन भी थी जैसे हम कहते हैं पेरिटोनिज्म. और मैं समझता हूँ अगले 2-3 दिन में बच्चे बिल्कुल ठीक हो जाने चाहिए. हाँ, मैं समझता हूँ कि नीचे उसके जरूर चोट है जहाँ से वो हरकत की गई है, थोड़ा सा उसमें एनल में टीयर भी है, तो उसकी द पेशेंट में रिक्वायर माइनर सर्जरी लेटर ऑन बट नॉट एट दिस स्टेज. थैंक यू सो मच. And there you have it, the doctor who actually treated that 5-year-old rape survivor in the national capital, saying that he is hopeful that the girl will be able to finally recover from her from the wounds that were inflicted upon her. She has now been shifted to AIIMS, and the doctor here telling us that she may require one more surgery, after which he is confident that she may be able to live a normal life.